लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। यूपी में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे यूपी के कुशीनगर और 1:30 बजे बलिया में करेंगे रैली। शाम 3:30 बजे वाराणसी के गुसाईपुर में भी जनसभा करेंगे। 7वें चरण के लिए इंडिया गठबंधन का धुआंधार प्रचार। बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी आज 12:30 बजे पटना साहिब और 2 बजे पालीगंज में करेंगे जनसभा। मंच पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। सरकारी जमीन पर माफियाओं ने बना लिए थे महल। पीएम ने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं यूपी का माहौल और मौसम दोनों बदल गए हैं। योगी जी अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। पीएम ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, यह नहीं चाहते भारत रक्षा क्षेत्र में बने आत्मनिर्भर, क्योंकि इनकी दलाली हो जाएगी बंद। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष वोट जिहाद के फतवे निकालता है, मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी गठबंधन बदलना चाहता है संविधान, धर्म के आधार पर देना चाहता है आरक्षण। पीएम के मुजरा वाले बयान पर अखिलेश का तंज। बोले कि आत्मविश्वास लड़खड़ाने पर जुबान भी जाती है लड़खड़ा। अखिलेश ने कहा कि पीएम के कॉन्फिडेंस में आ रही है कमी, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम के बयान पर तेजस्वी का जवाब। कहा कि क्या पीएम कोर्ट से ऊपर है कि जेल भेज देंगे, उनको नौकरी मांगने वालों से है नफरत। अखिलेश के बयान पर पीएम का पलटवार। बोले, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण की बात, ओबीसी आरक्षण पर है समाजवादी पार्टी की नजर। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम महंगाई और बेरोजगारी की बजाय हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जनता बदलाव के लिए तैयार है। प्रियंका का रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना। बोली कि देश में 79 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, 30 लाख पद किसके लिए रखे गए हैं खाली। पीएम के खटाखट वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार। बोली, जनता चाहती है कि पीएम मोदी को खटाखट सत्ता से हटा दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक कहा, 2019 में चौकीदार और इस बार बोल रहे हैं मैं भगवान। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे पीओके मत मांगो। मैं कहता हूं कि पीओके भारत का है और उसे लेकर रहेंगे हम। अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर निशाना। बोले, उन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, पीएम मोदी पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा। अमित शाह के बयान पर मनीष तिवारी का जवाब। कहा कि गृहमंत्री अब कह रहे हैं 310 सीटें आ रही है बीजेपी, दक्षिण से साफ और उत्तर में हो चुकी है हाफ। जीएसटी के बहाने केजरीवाल का पीएम पर निशाना। बोले, कारोबारियों को बिचौलिया मानते हैं मोदी, पंजाब में 2 साल में 56,000 का आया निवेश। अमित शाह के बयान पर आपका जवाब। बोली कि उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का नहीं है कोई हक, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ सबसे बड़ा घोटाला। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के बठिंडा और होशियारपुर में किया रोड शो, आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। पंजाब के लुधियाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कहा, तीसरी बार मोदी सरकार का बनना तय है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के मयूरभंज में रोड शो किया। कहा कि इस बार उड़ीसा में बदलाव की होने जा रही है शुरुआत। आज गाजीपुर और चंदौली में इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव करेंगे प्रचार। बीजेपी ने हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों की आज चंडीगढ़ में बुलाई बैठक। बैठक में सीएम और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी और बलिया में करेंगे रैली। शाम 4:30 बजे अधिवक्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अमित शाह के दावे पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। बोले, आपदा के समय केंद्र सरकार ने 3200 नहीं सिर्फ 300 करोड़ दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा के समय हिमाचल सरकार को 3200 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का किया था दावा। कांग्रेस के बयान पर हिमंता ने किया पलटवार। का 400 पार के नारे से हुई थी शुरुआत, 4 जून को 400 सीटों के साथ ही खत्म होगा अभियान। असम सीएम हेमंता शर्मा ने फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कहा, हंसराज हंस का जीतना तय। जेपी नड्डा आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। शाम 5 बजे बुनकर कारीगर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राजकोट अग्निकांड के बाद पुलिस नगर निगम दस्ता और फायर ब्रिगेड का एक्शन। 10 गेम जोन और 4 मेलों को किया गया बंद। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राजकोट में घटनास्थल का किया जायजा। सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। राजकोट अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में निकाला कैंडल मार्च। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का किया भंडाफोड़। ड्रग्स तस्करों से 28 करोड़ की हेरोइन बरामद। पाकिस्तान की भारत में ड्रग सप्लाई की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर से एक ड्रोन को किया बरामद। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का मिला सेवा विस्तार। अब 30 जून को रिटायर होंगे जनरल मनोज पांडे। ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के सेवा विस्तार पर जताई आपत्ति। का चुनाव के बीच सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना सही नहीं।
ताजनगरी आगरा में ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई में चूना भट्टी इलाके में नाला सफाई अभियान का सीएम शिंदे ने किया निरीक्षण, कहा अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई के सायन अस्पताल का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, डीन की गाड़ी चढ़ने से महिला की हुई दिमाग। पुलिस ने सायन अस्पताल के डीन राजेश डेरे को किया गिरफ्तार, डेरे कार की टक्कर से महिला की हुई दिमाग। पुणे हिट एंड रन मामले में आबकारी विभाग का बॉलर बार पर एक्शन, छापे के बाद बार को किया गया बंद। पुणे हिट एंड रन केस को लेकर सीपी दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, मामले में आगे की कार्रवाई पर हुई चर्चा। जम्मू के सांगेर स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर है। इंडिया राइज इन ग्लोबल डेमोक्रेसी कार्यक्रम में बोले एस जयशंकर, का प्रभावी नेतृत्व से विदेशों में बड़ी भारत की ताकत। ओवैसी ने लालू और तेजस्वी पर कसा तंज, कहा इनसे बीजेपी नहीं रुकने वाली क्योंकि खुद को बचाने के लिए लड़ रहे चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस नेताओं ने शांति वन जाकर दी श्रद्धांजलि। राफा में हमास के ठिकाने पर इसराइल ने की है एयरस्ट्राइक, 40 से अधिक लोग मारे, का आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। यूके में फिलिस्तीन के राजदूत का बड़ा दावा, इसराइल ने पश्चिमी राफा में 2000 पाउंड की बम गिराए। इसराइली सेना ने जबालिया में ऑपरेशन का जारी किया फुटेज, कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी के विस्फोट के बाद धुएं के गुबार से भर गया पूरा आसमान। इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी बोले हमास ने राफा में 2 मस्जिदों के पास रॉकेट दागे। हमास का गाजा से इसराइली शहर तेल अवीव पर बड़ा हमला, करीब 130 किलोमीटर दूर से लंबी दूरी के 10 रॉकेट दागे गए। हमास के हमलों को इसराइली सेना ने नष्ट किया, तेल अवीव के ऊपर आ रहे रॉकेट को आयरन डोम से मार गिराया गया। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान ने मचाई भारी तबाही, टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरंसास में 15 लोगों की जान गई। अमेरिका में आए तूफान से टेक्सास में भारी तबाही मची है, कई घर उजड़ गए, चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पेरू में बस और मालगाड़ी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 660 से अधिक हो गई, हादसे में कई घर, दुकानें और होटल गायब हो गए हैं। इमरान खान की नागरिकों से अपील, हमूद उर रहमान आयोग की रिपोर्ट पढ़कर जाने कौन था असली गद्दार, जनरल याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान। सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच आधी रात को समुद्र तट से टकराए तूफान, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा रेवल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करके उत्तर की ओर बढ़ा है तूफान। साउथ कोलकाता के डीसी प्रियाव्रत रॉय ने कहा कि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना है, पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर के मंदार, रमणी और दीघा इलाके में रेवल तूफान का कहर, तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कई इलाकों में भूस्खलन। पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किए गए थे दीघा के इलाके, माइक से समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई थी। रेमल के मद्देनजर 9 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया, रात भर संभाला मोर्चा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। सागर द्वीप में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए, एनडीआरएफ की टीम ने उखड़े हुए पेड़ों को हटाया। चक्रवाती तूफान रेमल का असर उड़ानों पर भी नजर आ रहा है, कोलकाता हवाई अड्डे पर 394 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द हुई। हावड़ा में रेमल तूफान को लेकर अलर्ट, एहतियात के तौर पर ट्रेन को चेन लॉक की मदद से रेलवे ट्रैक से बांधा गया। अरब सागर में भी समुद्र का प्रकोप जारी है, जिला प्रशासन ने तटीय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने रेमल को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की, स्टैंड बाय टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया। मछुआरों को दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में न जाने की सलाह, करीब 1,00,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। गृहमंत्री ने रेमल तूफान को लेकर संबंधित अधिकारियों से की बात का, युद्ध स्तर पर काम कर रही एजेंसियां। विवेक विहार हादसे में पुलिस का एक्शन, न्यू बॉर्न केयर सेंटर के मालिक के साथ एक डॉक्टर भी गिरफ्तार। विवेक विहार अग्निकांड पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, घटनास्थल का दौरा करेगी आयोग की टीम। दिल्ली के विवेक विहार न्यू बॉर्न केयर सेंटर से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, आग लगने से 7 नवजात की गई थी जान। पूर्व दिल्ली एडवांस एनआईसीयू के निदेशक रामजी भारद्वाज ने कहा 12 बच्चे आए, इनमें से 7 नहीं रहे, 5 घायल बच्चे भर्ती। चाइल्ड केयर सेंटर में भर्ती बच्चे का अभी तक पता नहीं लग सका, थाने और अस्पताल के चक्कर काट रहे परिजन। जलगांव में मुंबई जा रही बस की टैंकर से टक्कर, हादसे में 27 लोग जख्मी। कर्नाटक के हासन के पास कार और ट्रक की भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। नोएडा में भी मुंबई जैसा हिट एंड रन केस, लग्जरी कार की टक्कर से कई फीट दूर गिरा बुजुर्ग, मौके पर हुई मौत। नोएडा के हिट एंड रन मामले में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, एडिशनल डीसीपी बोले आरोपी की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई।
दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर राग का गोला बनी कार, जलकर खाक हुई कार। लखनऊ के मदरसे में कुरान के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा कानून, एक साल का कोर्स करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आतिफ अहमद ने कहा, बच्चों को कानूनी जानकारी देने के लिए शुरू हुआ कोर्स। छोटे हरिद्वार में चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे से महिलाओं को देखता था महंत, पुलिस ने जब्त किया मोबाइल, कई फुटेज मिले। छतरपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजों के ठिकानों पर दी दबिश, कई आईपीएल सट्टेबाज गिरफ्तार। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी अन्ना। राजस्थान में हीट वेव और भीषण गर्मी का कहर, बाड़मेर के अस्पताल में अब तक 31 मरीज भर्ती कराए गए। राजस्थान के फलोदी जिले में पारा 49.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बाड़मेर में दर्ज किया गया 49 डिग्री सेल्सियस तापमान। महाराष्ट्र के अकोला जिले में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, प्रशासन धारा 144 लागू। दिल्ली के मुंगेशपुर का सीजन का सबसे गर्म दिन रहा रविवार, 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर के किए दर्शन, ललिता घाट पर की पूजा। तमिलनाडु के नेल्लैयप्पर मंदिर में ध्वजारोहण के साथ आनी उत्सव की शुरुआत, हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में किए दर्शन। रणदीप हुड्डा को मिला स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार, मुंबई में किया गया सम्मान। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, फाइनल मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया।